धर्मेंद्र प्रधान जी और एनटीए घबरा गया है। ये पेपर भी ये पहले बाजार में बेच चुके थे, अब इन्हें घबराहट के कारण इन्होंने पेपर पोस्टपोन करा। प्रधानमंत्री जी से मैं खास तौर पर गुहार लगाता हूँ कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन है सीएसआईआर से, आप सीएसआईआर की अध्यक्षता करते हैं, तो 24 तारीख के संसद खुलने से पहले अब एनटीए को बैन करें। प्रथम अल्टीमेटम देने जा रहा हूँ। धर्मेंद्र प्रधान जी और एनटीए घबरा गया है। देखिए, पहले नीट का पेपर आपके सामने था, फिर नेट का पेपर में भी धांधली हुई, नीट के पेपर में धांधली हुई, और अब सीएसआईआर का पेपर उन्होंने पोस्टपोन करा है। और पोस्टपोन का जो बहाना ले रहे हैं वो एक बहाना है, वास्तविकता ये है, ये पेपर भी ये पहले बाजार में बेच चुके थे, अब इन्हें घबराहट के कारण इन्होंने पेपर पोस्टपोन करा कि कहीं हमारी पोल अगर दोबारा खुल गई तो जनता इस बार हमें जूते मारेगी। तो मैं दोबारा प्रधानमंत्री जी से मैं खास तौर पर गुहार लगाता हूँ कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन है सीएसआईआर से, आप सीएसआईआर की अध्यक्षता करते हैं, तो 24 तारीख के संसद खुलने से पहले अब एनटीए को बैन करें। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि एचआरडी मिनिस्ट्री की भी यह नाकामी है कि जो एनटीए से वो पेपर करवा रही थी और इतने दिन तक, अभी तक 12-13 दिन से शांत बैठी है, और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी धर्मेंद्र प्रधान जी ने गुमराह करने की बात करी और बेवकूफ बनाने की बात करी। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से भी गुहार है, तुरंत धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाए और एनटीए को बैन करा जाए। 24 तारीख को हम बड़ा संसद घेराव कर रहे हैं, जिस दिन पहले दिन संसद सत्र है, इस संसद घेराव में हम नीट के छात्रों की मांग उठाएंगे, साथ में जो नेट के छात्रों के साथ धोखा हुआ उनकी मांग उठाएंगे, अब सीएसआईआर के छात्रों की भी मांग उठाएंगे, और तीनों मांगों को लेकर हम बड़ा संसद घेराव करेंगे 24 तारीख को। और अब तो हम अल्टीमेटम देने जा रहे हैं, हम शिक्षा मंत्री को नहीं, अब देश के प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को लेटर लिखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सीएसआईआर से डायरेक्ट कनेक्शन है। आप देखेंगे जो सीएसआईआर है उसके प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष है, तो अब तो उनको भी इसको गंभीरता से और लेना चाहिए और तुरंत एनटीए को बैन करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी और एनटीए घबरा गया है। ये पेपर भी ये पहले बाजार में बेच चुके थे, अब इन्हें घबराहट के कारण इन्होंने पेपर पोस्टपोन करा। प्रधानमंत्री जी से मैं खास तौर पर गुहार लगाता हूँ कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन है सीएसआईआर से, आप सीएसआईआर की अध्यक्षता करते हैं, तो 24 तारीख के संसद खुलने से पहले अब एनटीए को बैन करें। प्रथम अल्टीमेटम देने जा रहा हूँ। धर्मेंद्र प्रधान जी और एनटीए घबरा गया है। देखिए, पहले नीट का पेपर आपके सामने था, फिर नेट का पेपर में भी धांधली हुई, नीट के पेपर में धांधली हुई, और अब सीएसआईआर का पेपर उन्होंने पोस्टपोन करा है। और पोस्टपोन का जो बहाना ले रहे हैं वो एक बहाना है, वास्तविकता ये है, ये पेपर भी ये पहले बाजार में बेच चुके थे, अब इन्हें घबराहट के कारण इन्होंने पेपर पोस्टपोन करा कि कहीं हमारी पोल अगर दोबारा खुल गई तो जनता इस बार हमें जूते मारेगी। तो मैं दोबारा प्रधानमंत्री जी से मैं खास तौर पर गुहार लगाता हूँ कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन है सीएसआईआर से, आप सीएसआईआर की अध्यक्षता करते हैं, तो 24 तारीख के संसद खुलने से पहले अब एनटीए को बैन करें। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि एचआरडी मिनिस्ट्री की भी यह नाकामी है कि जो एनटीए से वो पेपर करवा रही थी और इतने दिन तक, अभी तक 12-13 दिन से शांत बैठी है, और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी धर्मेंद्र प्रधान जी ने गुमराह करने की बात करी और बेवकूफ बनाने की बात करी। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से भी गुहार है, तुरंत धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाए और एनटीए को बैन करा जाए। 24 तारीख को हम बड़ा संसद घेराव कर रहे हैं, जिस दिन पहले दिन संसद सत्र है, इस संसद घेराव में हम नीट के छात्रों की मांग उठाएंगे, साथ में जो नेट के छात्रों के साथ धोखा हुआ उनकी मांग उठाएंगे, अब सीएसआईआर के छात्रों की भी मांग उठाएंगे, और तीनों मांगों को लेकर हम बड़ा संसद घेराव करेंगे 24 तारीख को। और अब तो हम अल्टीमेटम देने जा रहे हैं, हम शिक्षा मंत्री को नहीं, अब देश के प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को लेटर लिखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सीएसआईआर से डायरेक्ट कनेक्शन है। आप देखेंगे जो सीएसआईआर है उसके प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष है, तो अब तो उनको भी इसको गंभीरता से और लेना चाहिए और तुरंत एनटीए को बैन करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।